जालौन में भाईचारे पर हो रहा है हमला। अराजक तत्व मस्जिद में नहीं होने दे रहे नमाज। करीब 100 साल पुरानी है ये मस्जिद। इलाके के हिंदू भी चाहते हैं शांति। आखिर कौन फैला रहा है सांप्रदायिकता? मस्जिद में घुसकर रुकवाया गया फर्श का काम। जालौन जिले के कोच तहसील के पटेल नगर में एक पुरानी मस्जिद मौजूद है। इसी मस्जिद में इलाके के चंद मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए जाया करते रहे हैं। मस्जिद काफी पुरानी थी, लिहाजा कमेटी ने नया फर्श बनवाने की नियत से काम शुरू करवाया। अभी अंदर काम चल ही रहा था कि अचानक कुछ लोग मस्जिद में आ धमके और मजदूरों को गालियां देने लगे। इतना ही नहीं, उन लोगों ने मजदूरों को गालियां देते हुए भगा दिया और काम भी बंद करवा दिया। चलो बाहर आ रहे सब जने। और निकलो ए। ये वीडियो बीते 14 फरवरी का बताया जा रहा है। इस कांड के बाद मस्जिद के कमेटी ने इस बात की लिखित शिकायत एसडीएम से की ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। इस कांड के बाद हमारे संवाददाता अली जावेद खुद मौके पर पहुंचे और सारे मामले पर उन्होंने इलाकाई लोगों की राय जानी। जी आपका नाम? मुनव्वर अली। मुनव्वर अली जी, मैं चाहता हूँ आप यहाँ के बारे में बताएं कि ये कितनी पुरानी मस्जिद है और ये इस मस्जिद में कब से निर्माण चल रहा है। ये मस्जिद तो जब से अस्पताल खुला है 100 साल हो गई, 50 साल तब चीज अस्पताल है। और डॉक्टर जमा साहब आए थे तो हमारा काम सर भजन आया था जी, तो उसमें हम पुनः का नमाज भी पढ़ते तो हम भी पढ़ने लगे जी। फिर उसके बाद वो चले गए तो उसकी खिदमत हम मस्जिद की देखभाल करते रहे, जब से कर रहे बराबर। फिर हम आ गए थे हम करते रहे और फिर और लोग पढ़ने आते थे, अहमद चचा आते थे, बजी चचा आते थे और तमाम लोग आते थे नमाज पढ़ने। अच्छा हाँ, तो अब ये जो काम चल रहा है ये काम क्यों रोके पड़े हैं? बाजार नगले जो रुका रहा है, रोज कम्प्लेन कर देते, शिकायत कर देते, पुलिस आ रहा है जो रुका देते कि नई मस्जिद बन रही, नहीं बन रही। तो ये तो बहुत पुरानी मस्जिद है, वो तो एप्लीकेशन झूठी लगाते हैं, हम क्या करें? हम तो हारे आ रहे हैं उनसे पूछे की भैया कहाँ पुरानी मस्जिद सरकारी, कब साल की, 100 साल पुरानी चढ़ी है, नगर पालिका चढ़ी है, वक्फ बोर्ड चढ़ी है और हम क्या बता रहे। तो ये मतलब ये चाहते कि ये आपका बुलडोजर चलाओ कि भाई बुलडोजर चलवा दो। अच्छा, यहाँ पास में एक मंदिर भी है तो कभी लोगों आप लोगों ने कभी कोई ऑब्जेक्शन उठाया? हमने नहीं उठाया ऑब्जेक्शन, मंदिर नया बना है, नया बन गया। तो आप लोगों ने कभी कोई, आप लोगों को दिक्कत होती है क्या? कोई दिक्कत नहीं होती हमें, हम लोग मस्जिद बन रही, मस्जिद बना है तो बनी रहते, हमें क्या करने, मंदिर बन जाएंगे। हमने ऑब्जेक्शन किए नहीं, हमने कौन, हम हिंदू मुस्लिम राइट करना चाहते थे कि राइट हो जाए, बस ये फर्ज है, खुदा पढ़ा है, देख लीजिए आप सब खुदा है, ये फर्ज करा दी कि सब रमजान शरीफ आ रहा है, नमाजी बढ़ते हैं तो कहाँ बिछाएंगे, कहाँ करेंगे, तो एक ही फर्ज करवा रहे हैं उसमें, और क्या करवा रहे हैं, खाली फर्ज कराने के लिए लोगों ने आए बस, और ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि अगर छोटा सा काम यहाँ ये कराते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, जबकि इनको कभी ना कोई मंदिर जो निर्माण चल रहा है वहां से कोई दिक्कत है, इनको सिर्फ अपनी मस्जिद से मतलब है और मस्जिद के निर्माण के लिए वो भी ये फर्श करा रहे हैं। मस्जिद में आने वाले नमाजियों की माने तो रात बरात पुलिस अक्सर मस्जिद में दाखिल हो जाती है। एक बार तो निर्माण कार्य के लिए लाए गए ईंटों को जबरन बाहर निकलवा दिया गया। अब कोई ना कोई खबर कर देता है, इधर कोई झूठ भी खबर कर देता है, हमने नमाज पढ़ने कभी कभी पुलिस रात में भी आई है, पुलिस साहब मस्जिद में काम लो, हर पुलिस आ जाती है। सिर्फ ओनली फर्श अकेला होना, कुछ नहीं होना, चारों तरफ दिखवा सकते हैं आप, कहीं भी एक भी गुम्मे का बोलेंगे, ओनली फर्श अकेला होना बस, और कुछ नहीं, अब कुछ करा ही नहीं रहे। अच्छा, तो ये फर्श सिर्फ कराने के लिए ही ये सारी परेशानियां शुरू हो जाती है? हाँ बस बस, फर्श कराने के चक्कर एक बार एक शख्स ने गुम्मे दान में दिए थे, 2000 गुम्मे थे, मस्जिद के अंदर रख लिए गए, आके किसी ने खबर कर दी, पुलिस आ रही, पुलिस ने गुम्मे मस्जिद के अंदर हटवाई दिए, बोले हटाइए मस्जिद इधर से, गुम्मे हटाइए इधर से, गुम्मे हमको हटवाना पड़े। अब प्रेजेंट में एक मंदिर में काम लगा हुआ है, कभी मार्बल फर्श लग रहा है, कोई वो नहीं है, आज हम लोगों को आप लोगों को दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं, कुछ कोई परेशानी नहीं, निर्माण चल रहा है तो आप लोगों को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आपको तो अपनी मस्जिद से मतलब, अपने मस्जिद से मतलब, हमको ओनली फर्श हो रहा है बस, फर्श लेबर में हो रहा है, बजी बजी बनती है, पानी उसमें निकल पाता नहीं है बाहर, ओनली फर्श हो जाएगा तो अपनी कोई परेशानी, फर्श हो जाने दो बस, फर्श होता है तो हर पुलिस आ जाती है, काम लगा हुआ था बंद करवा रही पुलिस, केवल फर्श हो रहा है, ये घूटों में लगता है फर्श,
अच्छा, नमाज पढ़ने में। अभी रमजान आ रहे हैं तो उसमें बड़ी तकलीफ होगी, घुटे छिल जाते हैं हम लोगों के, गड्ढे हैं मस्जिद में, वो पानी भी भर जाता है, नमाज पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए ये फर्श का काम, इसीलिए फर्श हो रहा है, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, लेने में जाएगा, और कोई नवाड़ भी नहीं हो रहा है इधर। वही इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों से बात की गई तो पता चला कि उन्होंने मस्जिद के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं की और ना ही मस्जिद से उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत है। बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो लगातार इलाके का माहौल खराब करने पर आमादा हैं। हम पैदा हुए हैं जब से हम देख रहे हैं मस्जिद है। अच्छा, कि मस्जिद में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा है। अब आए दिन तो सरकार आदमियों की वो है, खराब है। जब आप खुल के बोले, ऐसा नहीं है कि मस्जिद वहाँ थी नहीं, लेकिन जब से मैंने अपना बचपन यहाँ देखा है जब से मस्जिद दिख रहा है। अब विस्तार की कहो तो विस्तार तो देखो हर चीज का हुआ, तो विस्तार तो मैं देख रहा हूँ कुछ हुआ ही नहीं, नहीं, नहीं। अगर विस्तार की लोग बात करें तो विस्तार तो देखो मंदिर का भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मंदिर का भी विस्तार ना हुआ हो। जी आदमियों की अपनी अपनी वो है, मानसिकता खराब हो गई। अब बाको का कर सकता, हमारी मानसिकता क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, ये तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये तो सब आदमी को तो लगा है, इससे तो भावनाओं को आहत भी किया जा रहा है। अब तो एन करो जा रहा हो, लेकिन अब बाको क्या कर सकते हैं भाई, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। अब भाई किसी की मानसिकता, हमारी मानसिकता क्या है, आपकी क्या है, लोग क्या है, आदमी तो अपनी में पड़ा हुआ है, लगा है। और आपका तो ये पीछे मकान ही है, तो आपके पिताजी पूर्वजों ने भी बताया होगा ये मस्जिद तो बहुत पुरानी है। नहीं, मस्जिद तो हम तो हम जब से हम पैदा हुए, हमारी 50 साल की उम्र हो गई, जब तक मैं तो देख रहा हूँ, पहले क्या था क्या नहीं था वो जाने। आपको बता दें, इलाके में मस्जिद है तो मंदिर भी मौजूद है, जिसका फिलहाल विस्तारीकरण भी चल रहा है। लेकिन इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या गंदगी है। इस इलाके में जिधर भी नजर उठा लें, वहां सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही दिखाई देती है। गंदे जानवर खुलेआम घूमते हैं, इसे ध्यान ही नहीं आया। जब तब का नाम चेयरमैन, सबका यही सिस्टम, देखो कितना पड़ा गया, देखो तो क्या है जी, क्या कहते हैं, देखिएगा। मैं आपको बताऊं कि विनोद कुमार पटेल साहब ने भी बताया है कि ये इस तरफ मंदिर है और उस तरफ मस्जिद है, लेकिन गंदगी का हाल ये है, गंदगी का अंबार ये है कि यहाँ पर गंदे जानवर भी घूमते रहते हैं और साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। जबकि मैं चाहूंगा कि हमारे साथी कैमरामैन से कहूं कि मैं नगरपालिका को भी दिखाएं, नगरपालिका ठीक सामने पड़ती है, बिल्कुल सामने नगरपालिका मौजूद है और यहां पर ईओ नगरपालिका जेई नगरपालिका अध्यक्षा यहां पर रहती है, इसके बावजूद भी सफाई नाम की 0/0 है। धार्मिक स्थलों के साथ साथ घरों के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कभी किसी का ध्यान इलाके की सफाई की तरफ नहीं जाता और अराजक तत्व मस्जिद को इलाके से हटाने के लिए परेशान हैं। खैर, जो भी हो, मस्जिद कमेटी में शामिल लोगों ने एसडीएम को खत लिखकर मस्जिद की जांच करवाने की गुजारिश की है, साथ ही साथ मस्जिद की मरम्मत करवाने की इजाज़त मांगी भी है। जालौन से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अली जावेद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।